हेलो, राम राम, राधे राधे, जय श्री राम। और भाई आज है कृष्ण जन्माष्टमी, आपको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं मेरे प्यारे भाइयों, हमारे सभी जो भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं। और भाई सुबह के बज रहे हैं जो है 8:30। अभी मैं भाई घर से निकले, देखो कितना बढ़िया नजारा है यार। आज का दिन बहुत ही जबरदस्त है, सुबह सुबह जो है इतना अच्छा मौसम है। हालांकि लग रहा है धूप निकलेगी तो गर्मी हो जाएगी, और गर्मी में भाई दिक्कतें बहुत सारी होती हैं। तो क्या अभी अपने यहाँ से हाईवे से नीचे उतर रहा है, अब सीधा जा रहा है। पहले अपना जो है खत्म हो चुका है पानी, तो वाटर एटीएम जा। हाँ तो भाई प्लान तो ये था कि वाटर एटीएम पे जाके सबसे पहले भरेंगे जाके पानी, लेकिन ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं हुआ। एक आ गई बुकिंग, और पानी भरने के बाद जाते गाड़ी धुलवाते जाके, क्योंकि गाड़ी है बहुत गंदी, बारिश हो गई थी। चलो कोई नहीं, अब गाड़ी धुलेगी जो है बाद में, पहले राइड पूरी कर ले, पहली राइड है इसको कंप्लीट कर ले, कैंसिलेशन ना होने तो हो जाएगी भाई दिक्कत। अब बहुत सारी अपडेटें आ रही हैं हमारे कानपुर में। क्या था, हम लोग आउटसन जाते थे ओला में, तो उसमें रीडिंग भरनी पड़ती थी, और रीडिंग में कभी कभी गलत भी हो जाता था, तो बिल बहुत उल्टा सीधा आ जाता था। अगर कम रीडिंग भर दी तो भाई बिल कम आता था, और ज्यादा रीडिंग भर दी तो बिल ज्यादा आ जाता था, कमीशन ज्यादा कट जाता था, फिर बड़ी दिक्कतें होती थी। तो सारी प्रॉब्लम ओला ने ठीक कर दी है, और कुछ लोगों के लिए घाटा भी होगा भाई, कि जो लोग हमारे ड्राइवर भाई लोग हैं गलत रीडिंग भरते थे। मान लो अगर जो 90 किलोमीटर गाड़ी चली है तो उसको 100 किलोमीटर कर देते थे रीडिंग को कम ज्यादा करके, तो बिल ज्यादा आ जाता था, 100-200 उनको बढ़ के मिल जाते थे। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। तो ऐसे लोगों को तो बहुत घाटा होने वाला है, और जो लोग ईमानदारी चलाते थे उनको तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि अब रीडिंग वाला झंझट नहीं रहेगा भरने के लिए। तो चलते हैं सीधा। आज भैयो काम को पता नहीं क्या हो गया है, काम ही नहीं आ रहा है। हालांकि ओला की एक राइड हमारे पास लखनऊ की आई हुई थी, जो कि शुक्लागंज से पिकअप था, लेकिन वो फ्रॉड थी, तुरंत ही कैंसिल हो गया। उसके बाद भाई मैंने लोकल की खोल ली है, दो राइड ओला में लोकल ही कर ली है, और एक अभी मैं रेंटल लेके आया हूँ, और एक प्राइवेट कर चुका हूँ, मतलब 500-600 का काम कर चुका हूँ, और अभी रेंटल में 1 घंटे के हूँ मैं। क्योंकि ओला या उबर तो एकदम बची ही नहीं भाई, ओला की तो खैर लोकल की मैं कर भी रहा हूँ, उबर में तो ना ही रेंटल बजी ना ही इंटरसिटी बजी, और लोकल की बजने कोई सवाल ही नहीं उठता उबर में। तो उबर का तो हालत एकदम खस्ता है, ओला का भी खस्ता है भाई। ओला की तो देख लो, डेली हम आउट जाने वाले आज जो है लोकल में चलवा रहा है। कोई बात नहीं, लोकल में भी चलाएंगे, 1000 रुपये तो ऑपरेटर बचा के ले ही जाएंगे, 1500 का ऑपरेटर होगा तो 1000 बच जाएंगे। और अभी गाड़ी उड़ी भी नहीं धुलवा पाए, क्योंकि जहाँ जहाँ ड्रॉप लोकेशन था वहाँ वहाँ गाड़ी की वाशिंग, कार वाशिंग वहाँ पे थी नहीं पास में। तो अब देख रहे हैं, अगर जो कहीं ड्रॉप नज़दीक होगा, नज़दीक ड्रॉप जहाँ ड्रॉप करेंगे उसके आसपास जहाँ कार वाशिंग हो रही होगी वहाँ जाके अपनी गाड़ी धुलवाएंगे जाके। बारिश के समय गाड़ी वैसे भी गंदी हो जाती है, और कल तो बारिश भी हो रही थी, आज भी सुबह हो रही थी। हालांकि अब देखो बहुत तेज़ी की धूप निकली हुई है। ये देखो इन्हीं डॉक्टर के आम आए हुए हैं कस्टमर को लेके, कस्टमर गए हुए हैं, छोड़ा था तो यही स्वरूप नगर में है। बोला भैया 15 मिनट रुकिए मैं आता हूँ अभी, तो हमने ठीक है। अब गए, देखो 15 मिनट का कब होता है, 1 घंटे के लिए बुक की है, लेकिन कोई दिक्कत भी नहीं, 2-4 घंटे भी हो जाएंगे तो पैसे ऐड होके आएंगे, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। करते हैं वेट और देखते हैं आज हमारे पास आउट की आएगी कि नहीं आएगी, इंटरसिटी आएगी कि नहीं आएगी, आएगी तो जरूर आप लोगों को बताएंगे भाई। ये देखो कड़ाके की धूप है भाई, एकदम मई जून वाली धूप है ये। तो भैया बताते चले, वहीं पे खड़े थे और रेपिडो हमने ऑन कर ली थी, हालांकि 5 तारीख को ओपनिंग थी, लेकिन आज 7 तारीख है, तो आज मैं आया इधर तो भाई ऑन की, तो राइड हमारी बच गई भाई वहीं पास से ही। और तेलीबाग यहाँ वी मार्ट में यहाँ पे ड्रॉप किया है, देखो सामने इधर वी मार्ट है ना, यहीं पे लाके ड्रॉप किया भाई। 12-13 किलोमीटर की राइड थी भाई, 191 रुपए दिए हैं कुल मिला के, सही। अभी कमीशन नहीं ले रहा है, नई कंपनी है तो अपना क्या जा रहा है अटैच करने में। हम तो ओला में भी लगाए हैं, उबर में भी लगाए हैं, इन ड्राइवर में भी लगाए हैं, टैक्सी फॉर श्योर का नाम आ रहा है, जो कि ओला ने खरीद ली थी 2015 में, इन ड्राइवर में भी लगाए हैं। तो 4-5 कंपनी में ये जिसका भी काम आया लेके चले। अब यहाँ से एयरपोर्ट पास में है, अगर कोई राइड बच जाती है तो टू गुड, नहीं बजेगी तो यहाँ से एयरपोर्ट भाग जाएंगे। फिलहाल अभी नहीं जाएंगे रात में, अभी तो यहीं पे ही रह के वेट करेंगे, देखते हैं कोई और कोई राइड मिल जाए, जैसे 191 इधर मिले, यहाँ से फिर एयरपोर्ट की मिल जाए, 150-200 उधर का भी काम हो जाएगा।
तो खाली जाने से अच्छा है कि यार लगभग 200 का हो चुका है, 150-200 का और हो जाएगा तो 300-400 का अपना काम हो जाएगा। खाली जाने से भी क्या फायदा, अभी वहाँ नंबर लगा नहीं होगा हमारा, क्योंकि हमारा आएगा नंबर 9-10 बजे। एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहे हैं, जैसा कि हमें पता है कई दिनों से आ रहे हैं लगातार, तो हमें पता है 5-6-7 घंटे बाद ही जो है ओला इधर से बजाएगा, उससे पहले बजाने वाला है नहीं। तो अब यहीं खड़े होकर कर रहे हैं वेट, वो है टेम्पर की दुकान भाई, देखते हैं जाके अपने मोबाइल का टेम्पर मिलता है तो डलवा लेते हैं जाके। ठीक है भाई, निकल रही ट्रेन, क्रॉसिंग पे खड़े हैं, जा रहा भाई लखनऊ, लखनऊ की जगह पे जा रहे हैं, उस जगह का नाम आईटी मेट्रो स्टेशन, काकादेव से जा रहे हैं, पिकअप कर लिए हैं, थोड़े समय में पहुँच भी जाएंगे भाई, क्रॉसिंग खुलेगी बस पहुँच जाएंगे। हाँ तो भैया बता दें, पहुंच चुके हैं लखनऊ, और जहाँ पे हमने कस्टमर को ड्रॉप किया था वहीं पे आके भाई खड़े हो गए हैं। और ये है न्यू कन्या रोड, न्यू हैदराबाद, हैदराबाद भाई, लखनऊ अभी हैदराबाद पड़ता है। आपको हम दिखाएं, ये जो जनता दूध डेयरी है बाइक के पीछे, इसमें देखो लिखा हुआ है जहाँ पे हम खड़े हैं, ये देखो नीचे लिखा हुआ है आर्य कन्या, कन्या आर्य कन्या रोड न्यू हैदराबाद लखनऊ। तो भाई कुछ इस तरह का है इसका हिसाब किताब। ये देखो भाई जंगल की रानी जा रही है। चलो कोई नहीं, अवस्थी जी का फोन आ रहा है, लेकिन इनसे करेंगे बाद में बात, अभी पहले अपना काम कर ले। तो भाई यहाँ हम कस्टमर को ड्रॉप कर दिए, पेमेंट वगैरह ले लिए, ऑनलाइन पेमेंट हुई है, ऑनलाइन का मतलब हमारे QR कोड पे उन्होंने दिया है, तो कुछ इस तरह का है भाई, लाके ड्रॉप कर दिए। अभी समय बचा है, बन जाए भाई 3:44, मतलब 4 बजने वाले हैं। और भाई ओला हमें बुकिंग कम से कम 4-5 घंटे बाद देगा, कुल मिला के 9-10 तो मान लो भाई, आज की रात काली होने वाली, 9-10 बजे देगा तो 12 बजे घर पहुंचेंगे, तो आज भी फिर नींद कम हो पाएगी, तो कल फिर वही थके थके नजर आएंगे। तो भाई कोई बात नहीं, सब तो चलता रहता है भाई। सुबह जो गाड़ी चली है आपको हम दिखा दें, 150 किलोमीटर चला चुके हैं भाई, ये देखो 3:45 हुआ है। तो कोई बात नहीं, अब भाई करते हैं बुकिंग का वेट, जैसे कोई बुकिंग आएगी तुरंत आप लोगों को बताएंगे, वैसे आने वाली नहीं है, किस्मत अच्छी हुई तो भले जल्दी मिल जाए, लेकिन फिर भी उम्मीद तो लगा ही सकते हैं कि भाई जल्दी मिल जाए, और जल्दी मिल गई तो गुड, नहीं जल्दी मिली तो कोई बात नहीं, बुकिंग का करेंगे वेट। भाइयों बहुत बुरा फंस गया हूँ, 1 घंटे से फंसा हुआ हूँ, 8 बज चुके हैं लेकिन अभी जाम खुलने का नाम नहीं ले रहा है, और गलती से मैं गलत लेन पे आ गया हूँ, ये राइट मुड़ने वाली लेन है और मैं इसमें आके हमने गाड़ी लगा दी, देखो पूरी एकदम जो है बंद है सब कुछ जो है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, फंस गया हूँ तो फंस गया हूँ, अब देखता हूँ इधर से जाने देगा नहीं जाएगा, जाने देगा। 2 बुकिंग आने के बाद 3री बुकिंग हमारे पास आई है जो कि रियल में है, उनको अपने इधर स्वरूप नगर की तरफ ही जाना है, वो काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, 1.5 घंटे लगभग, 1-1.5 घंटे तो हमको यहीं फंसे हुए हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है बुकिंग हमारी रुकेगी कि चली जाएगी, अब किस्मत का खेल है भाई, बुकिंग वो अपनी हो भी सकती है या हो सकता है ज़्यादा टाइम हो जाए तो हो सकता है कैंसिल भी कर दें, उसको हमने बोल दिया है कि सर मैं आ रहा हूँ, जाम में फंसा हूँ, मैं भी कानपुर का हूँ, बोल दिया है तो शायद उनको कुछ समझ में आए और थोड़ा सा वेट कर लें, अगर वेट करते हैं तो टू गुड, नहीं तो फिर भाई रात काली करनी पड़ेगी। भाई 1 घंटे जाम में फंसे हूँ आप देख सकते हो, हालांकि यहाँ बारिश भी हो रही है, देखो आगे भी गाड़ी खड़ी है, पीछे भी जहाँ तक लाए जाएगी, जो ये शहीद पथ है ये देखो बगल में है, शहीद पथ की बाउंड्री, ये देखो ऊपर शहीद पथ है, उसी के नीचे भाई खड़े हुए हैं। तो भाई कुछ पूछो ना, आज देखते हैं हमारा दिन अच्छा जाता है बुरा जाता है, अगर बुकिंग हमें लेके आ गए तो अच्छा जाएगा, अगर बुकिंग ये कैंसिल हो जाती है तो आज का दिन हमारा खराब जाएगा, जो कि अभी टाइम तो खैर ज्यादा नहीं हुआ है, देखो 8:15 बजने वाला और 7:30 बजे का पिकअप था भाई, 1 घंटे पहले वहाँ बुकिंग आई थी, हम वहाँ से निकल लिए तो इसी जाम में लगातार फंसे हुए हैं, अब बस एकदम आ गए हैं, वो सामने दिख रहा है रोड, लेकिन क्या है ना कि हम थोड़ा सा गलत आ गए, राइट में हमें नहीं, हमें बीच में रखना चाहिए था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इतने पुराने ड्राइवर हैं लेकिन गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि राइट में सीधे जाना है या फिर बीच में जाना है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, गलती हो गई हमसे, तो आप लोग गलती मत कीजिएगा, सामने जाना हो तो बीच में रखिएगा, राइट में मत रखिएगा, ठीक है। अब लाइन आगे बढ़ रही है तो हम भी चलते हैं आगे। हाँ तो भैया बुकिंग हो चुकी कैंसिल, हालांकि जाम से भी देखो निकल आए थे, और मैडम से बात भी हुई थी, हमने बोला मैडम 5 मिनट वेट कीजिए, 5 मिनट में आ जाएंगे भाई, मैडम ने इंतजार नहीं किया, देखो अभी जब अभी जाम में फंसे थे तो कितना समय था, अभी देखो 8:21 हुआ है,
अभी अब जाम में थे, 8:10 हो रहा था, 10 मिनट में यहाँ तक मैं जाम वगैरह निकाल के यहाँ तक खींच के लेके चला आया। भाई आज हमारा बहुत बुरा समय है, हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि बुकिंग पे बुकिंग कैंसिल हो रही है। ये 3 बुकिंग थी, अब पता नहीं ओला हमें देगा भी कि नहीं देगा, या देगा तो कितने बजे देगा, देखते हैं भाई। जो भी होगा बताएंगे आपको, बने रहेगा हमारे ब्लॉग में लास्ट तक। ओके, हंसी आ रही यार, कुछ लोग बोलेंगे हंस रहा है दुख में, तो कोई बात नहीं भाई, रोने से दुख कट नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ तो भाई बता दें, वही बुकिंग ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है। 10:45 का पिकअप था लखनऊ एयरपोर्ट से, और उनको जाना था काकाजू। बड़ी उम्मीद थी, बस एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं भाई, बस समझ लो जो है। ये शहीद पथ साइड में चल रहा है, ये देखो कुछ इस तरह का, हम साइड से जा रहे हैं सर्विस लेन से। तो भाई बज रहे 9:30 बल्कि 10 बजने वाले हैं, हम आपको दिखा दें भाई साहब, ये देखिए 10 बजने वाले हैं, और कुल मिला के ज्यादा काम नहीं हुआ है, 14-15-16 रुपए मिला लो सब मिला के जो है, उसमें 600 रुपए खर्चा निकाल दो, आज की बचत हुई भाई 1000। अब लग रहा है कि लोगों की नजर भाई हमको लग रही है, लगभग 12 बुकिंग भाई कैंसिल हुई है आउट स्टेशन की, उसमें से 7 या 8 तो खाली फैजाबाद की होंगी, इतनी फेक बुकिंग है। इसमें से जेन्युइन बुकिंग सिर्फ एक थी, जो कि बारिश हो रही थी और हम 1.5 घंटे जाम में फंसे रहे। 7:30 का पिकअप था, कस्टमर ने 8:30 तक मेरा वेट किया, फिर उसके बाद जब 1.5 किलोमीटर बचा उसके घर पिकअप लोकेशन, फिर कस्टमर ने भाई कैंसिल कर दी। हमारी किस्मत ही इतनी बुरी है, क्या करोगे आज के दिन। तो हम लोग तो बहुत पुराने भाई, हम लोगों को तो पता है कि ऐसा कभी कभी होता है, चलो कोई नहीं। ये भाई अपना शहीद पथ के हम सर्विस लेन पे चल रहे हैं, ये ऊपर वाली रोड जो है सीधा एयरपोर्ट के लिए गई है, और हम तो इस पे चढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि वो है रॉन्ग, हम इसके ऊपर कैसे जाएंगे बताओ। ये सर्विस लेन जो है हम तो चल रहे हैं नीचे से, तो अभी जा रहे हैं एयरपोर्ट के पास, वहीं आराम से लगाएंगे गाड़ी, वहीं आराम से खड़े होंगे, सवारी वारी देखेंगे तो भाग आएंगे रात में, क्योंकि अब तो शायद आनी नहीं है। 7 बुकिंग तो ऐसी भाई आउट स्टेशन की, जो कि हमारे ऊपर कैंसिलेशन जुड़ा हुआ है, स्क्रीनशॉट लगा देंगे देख लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर लगाएंगे। लगातार 7 बुकिंग आउट स्टेशन, उसमें से कुछ प्राइम की हैं, कुछ मिनी की हैं। तो भाई आज की बचत हुई हमारी 1000, कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई कल फिर तैयारी करेगा और फिर पैसा पैदा करेगा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में, तब तक सभी भाइयों को राधे राधे, जय श्री राम, ओके बाय, गुड नाइट, व्यस्त रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, खिलखिलाते रहे, हमारी तरह सुख हो चाहे दुख हो, ओके बाय।